हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारे पास लिखी होती है रिएक्टेंट होती है, एरो के बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास होती है प्रोडक्ट। HNO3 को मैंने रिएक्ट किया CaOH2 से, तो हमारा प्रोडक्ट बना CaNO3 2 प्लस H2O। जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ऑक्सीजन के एटम्स दो हैं, हाइड्रोजन के एटम भी दो हैं, नाइट्रोजन के एटम हमारे पास हैं दो, ऑक्सीजन एटम है हमारे पास है 6। चलो दोस्तों, अब बनाते हैं बॉक्सेस। बैलेंस करने से पहले हम बना लेते हैं इनके बॉक्सेस। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमें बनाना है टेबल। हम लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर लिखेंगे हम रिएक्टेंट्स, फिर हमारे आएंगे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के भी एटम। चलो, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, टोटल हमारे पास हो गए 3। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है हाइड्रोजन 2। नेक्स्ट पार्ट, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन 1 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन 3 2 5। नेक्स्ट 6 1 7। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम Ca, रिएक्टेंट में हमारे पास है एटम 1 और प्रोडक्ट में हमारे पास है 1। सबसे पहले हम हायर वैल्यू को देखते हैं 5 और 7 के लिए। ऑक्सीजन मेरा 5 है, 3 2 5, और ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर है 7 6 और 1 7। तो दोस्तों, ये मेरे पास सबसे हायर वैल्यू है, सबसे हायर वैल्यू को देखेंगे। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास हो जाएगा 6 2 8, तो यहाँ पर मेरे पास है 6 1 7। यानी 2 से मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, तो ऑक्सीजन हो जाएगा मेरा बैलेंस। चलो दोस्तों, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। हाइड्रोजन अब हमारे पास हो जाएंगे 2 और 2 4। नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे पास जाएंगे 4। नेक्स्ट पास नाइट्रोजन हमारे पास है 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर है 2। ऑक्सीजन 3 2 6 8, ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 8। नेक्स्ट 3 2 6, और ये मेरे पास 8, तो ये भी मेरे पास 8। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम 1 और 1, तो 1 और 1। दोस्तों, यही हमारा होगा आंसर।